बहुत सुकून है प्रकृति की गोद में, यहाँ बस सब प्यार के भूखे हैं। क्यों न कुछ समय बिता ले इस प्रकृति की गोद में, हरे भरे पेड़ों, पक्षियों और मछलियों के साथ। हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसका नज़ारा बलिया में सबसे खूबसूरत है। हम पहुँच चुके हैं रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के गांव खनवर। यहाँ एंट्री के साथ ही आपको खूबसूरती का नज़ारा मिलने लगेगा। हम एंट्री कर चुके हैं मेन गेट से, अब आपको दिखाएंगे मंदिर का गेट, बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने है आपका मेन गेट। वैसे तो ये गेट कंक्रीट का बना है, पर कारीगरों ने ऐसी कारीगरी की है कि ये लकड़ी का बन गया है। ऐसा लगता है मानो दो पेड़ खड़े हैं और उस पर लोहे का गेट लगा दिया गया है। कारीगरों ने बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की है। बीच में गोल्डन कलर से लिखा है जय श्री खाकी बाबा। अब हम चलेंगे गेट के अंदर और आपको दिखाएंगे मंदिर का खूबसूरत नज़ारा। हम पहुंच चुके हैं गेट के अंदर और यहां देखिए सब कुछ अपनी खूबसूरती खुद ही बयां कर रहे हैं। यहाँ घुसने के साथ ही सबसे पहले आपको होंगे शंकर जी के दर्शन। ये है आपका खाकी बाबा का मंदिर। मंदिर को एक अलग ही रूप दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर एकदम फुटबॉल की तरह है। खाकी बाबा मंदिर का सबसे हटके एक अलग ही नज़ारा है। अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। अंदर बाबा का चरण पादुका है और ये जगह है जहां बाबा ने समाधि ली थी। इसी जगह पर खाकी बाबा ने समाधि ली थी। खाकी बाबा के चबूतरे के चारों कोने पे चार मंदिर है, जिसमें आगे लक्ष्मी गणेश जी हैं और पीछे दुर्गा जी और सरस्वती माँ हैं। चारों छोटे मंदिरों को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है पूरा मंदिर ही लकड़ी का बना हुआ है। मंदिर के ऊपर का हिस्सा झोपड़ी जैसा है। गणेश जी की एक दंत की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है। चबूतरे पे ही है एक विशाल पीपल का पेड़ जो बहुत ही पुराना है। अब हम चलेंगे पोखरे की तरफ। खाकी बाबा का पोखरा बहुत ही बड़ा है और इसका पानी बहुत ही साफ रहता है। इसका नज़ारा तो इतना खूबसूरत है, किसी का भी मन मोह ले। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे हंस और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आगे वीडियो में आपने देखा हंस कैसे आपको अपना मान रहे हैं। हंस खाकी बाबा मंदिर को और भी खूबसूरत बना देते हैं या लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। पहले हंसों की संख्या 5 से 6 थी, पर अब संख्या इतनी है कि गिनती करने से बाहर है। ये पोखरे में चारों ओर घूमते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। पोखरे के चारों तरफ खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। पोखरे के बीचों बीच बनाई गई है एक मूर्ति और वो मूर्ति है राधा कृष्ण की। वहां तक जाने के लिए एक सुंदर से पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल पर जाना आनंद भरा है। देखिए हंस कैसे मजे से पानी में उतर रहे हैं। इनके आवाज से पूरा खाकी बाबा का पोखरा गूंज उठता है। देखिए कितने मजे से दाना खा रहे हैं। तालाब की मछलियां भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये बिल्कुल पास तक आ जाती हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खाकी बाबा खनवर स्थित है रसड़ा से 10 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ खूबसूरत पहाड़, मगरमच्छ और वाटरफॉल भी है, लेकिन अभी फिलहाल चालू नहीं है। इसकी रेलिंग ऐसी बनी हुई है जैसे लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है। पोखरे के चारों तरफ हरे हरे पौधों की दीवार खड़ी की गई है जो पोखरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। पोखरा हरियाली से चारों ओर से भरा हुआ है, चारों ओर हरे हरे पेड़ लगे हैं। एक जगह यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आइए छोटे से पुल पे चलने का आनंद लेते हैं। इस ब्रिज को भी पूरी लकड़ी की आकृति में ढाल दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ की टहनियों को काट काट के जोड़ा गया है। यहाँ नहाने का स्थान पुल के नीचे रखा गया है। पुल के नीचे पानी की गहराई 5 फीट तक रहती है। उसके बाद पानी में ही एक दीवार बनाया गया है जिसे बच्चे गहरे पानी में ना जा सके।
इसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। पोखरे के गेट के ठीक सामने राधा कृष्ण हैं, उसके पीछे हैं हमारे शंकर जी। शंकर जी को ऊपर पहाड़ी बैठाया गया है। यह पहाड़ में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ गांधी जी के बंदर भी हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और एक बंदर आशीर्वाद देते हुए नजर आता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। खाकी बाबा मंदिर पर 1 जनवरी को बहुत दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ मेला लगता है और लोगों का हुजूम टूट पड़ता है। साल भर में एक बार उमाशंकर सिंह जी द्वारा एक बार कुश्ती की प्रतियोगिता भी कराई जाती है। यहाँ हमेशा शूटिंग के लिए वीडियो क्रिएटर आते रहते हैं और रील बनाने के लिए नए नए क्रिएटर आते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे गानों की भी शूटिंग हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका अपना विशाल शर्मा।